क्या कैसे 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 ध्यान में? अच्छा फोन में आ आ गया फोन में। हाँ भाई, तो कुछ क्वेश्चन भेजे थे मैंने ना, हमने ग्रेविटेशन की बात कर रहे थे हम लास्ट टाइम, ओके। और मैंने आपको सीधी सी बात बताई थी कि दो के बीच का जो तो फोर्स होता है वो हमारे पास था एफ ए जी M1 M2 बाई स्क्वायर था, है ना। और मैंने कहा था कि जो भी बॉडी पर निकाल रहे हो बस उसी पॉइंट को पकड़ लो, बाकी को छोड़ दो। सुपर पोजिशन कहता है कि फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड बॉडी, ठीक है ना। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले इंडिविजुअल बॉडीज के फोर्सेस निकाल लो, एंड देन उनका हम क्या करते हैं बेटा, वेक्टर सम की बात करते हैं। ये हमने बात की थी, ठीक है ना। सर तो हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, ओके। तो उसी के चक्कर में मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भेजी थी, थोड़े से क्वेश्चन मैंने कहा ट्राई कर रहा हूँ उनके, ओके। करें कुछ ट्राई, ठीक है। तो लिखाओ तो आप एक बार डाउट बताओ कुछ। एमसीक्यू में थे, एमसीक्यू दिखाना पहले एक बार, चलो एमसीक्यू की बात करते हैं। सबसे लास्ट पेज था एमसीक्यू का, सेवन। चलो सेवन देखते हैं बेटा। एक्चुअली स्क्वेयर का एक मैंने करवाया भी था वैसे तो आप लोगों को, तो देखते हैं एक बार सेवन क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर पार्टिकल्स ऑफ मास m, 2m, 3m एंड 4m आर कैप इन ए सिक्वेंस एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वेयर ऑफ साइड ए। द मैग्नीट्यूड एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वेयर। देखो बेटा क्या कह रहा है, एक स्क्वायर दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसके कॉर्नर पर m, 2m, 3m, 4m रखा हुआ है, ठीक है। इसकी साइड कितनी दी हुई है, a दी हुई है। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m एट द सेंटर, सेंटर पे m मास रख दो, ये पूछा गया है, ठीक है। कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, सीधी सीधी बात है, चार फोर्सेस एक्ट करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। हर एक अपनी तरफ एक्ट करेगा। देखो पहले पेयर की बात करता हूं, ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो रिजल्टेंट क्या हुआ इन दोनों का डिफरेंस, बड़े में छोटा सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या मैं इसको इक्विवेलेंट मान सकता हूँ, ये डिस्टेंस भी बराबर है, तो क्या मैं इसको हटाकर ये मान सकता हूँ यहाँ पे 2m मास है बस, ये बताओ। एक ही बात है बेटा, है ना, जितना ये करेगा उसका फोर्स निकाल, दोनों सबट्रैक्ट करोगे तो सीधा मैंने क्या कर दिया, ऐसे यहां पे बताओ क्या मान लूं, इसको हटा दूं, इसको हटाकर यहां पे कितना मान लूं, 2m मान लूं बेटा, ठीक है। तो अब इसका एक तो फोर्स ये निकाल लूं मैं, F1 मान लेता हूं इसको, इसको F2 मान लेते, दोनों बराबर आएंगे बेटा, m है ना, मासेस सेम हो गए कि नहीं हो गए, मासेस सेम हो गए तो फोर्स कितना आ गया, F1 मैग्नीट्यूड में इक्वल टू F2 जी एम इंटू 2m अपॉन ये डिस्टेंस, बोलो ए बाई रूट टू, है ना। डायगनल जो होता है बेटा वो कितना होता है, रूट टू ए होता है पूरा, तो उसका हाफ करोगे तो क्या होगा, ए बाई रूट ए स्क्वेयर बाई टू, तो ये टू पर चला जाएगा तो कितना आ गया, फोर जी एम स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, 4gm² / a², ठीक है। और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 है, और 90 होता है रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, रूट टू टाइम्स हो जाता है a² + b² का अंडर रूट, cos 90 तो जीरो बेटा, a² + b² का अंडर रूट आ गया, तो ये आ गया रूट टू एफ, तो ये आ गया बेटा 4√2gm² / a². देखो कोई होगा आंसर, ये है कौन सा, ये तो सीधी सीधी बात है बेटा, यहां पर m था, यहां 3m था, तो क्या हुआ, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, a माइनस b, अगर अपोजिट में सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैंने पहले मास सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3m में से क्या कर दिया, m सब्ट्रैक्ट करके यहाँ 2m लिख दिया, ऐसे यहाँ 2m था, यहाँ 4m था, तो मैंने पहले मास कम कर लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया 2m बच गया सीधा सा, एंड फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया जी m1 m2 / r²
ओके okay? और ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का 90 पे है तो कुछ भी कह सकते हो आप, ओके okay? अच्छा वैसे पूछा नहीं इसने, डायरेक्शन पूछता तो कहां जाती है, बिल्कुल नीचे चली जाती है क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं बेटा, इक्वल मैग्नीट्यूड के तो रिजल्टेंट हमेशा एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर तो ये भी 45 और ये भी कितना हो गया 45 हो गया, एंगल बाइसेक्टर 45 डिग्री, ये है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया बेटा मैंने, ठीक है इसी के सुपरपोजिशन लगा सकते हो इसके अंदर। नाइन देखो क्या है, मैं वही कहता हूँ कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएंगे जब क्वेश्चन करोगे, बिना क्वेश्चन करे तो फिजिक्स समझ में नहीं आ सकती, न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे किस तभी समझ में आएगी फिजिक्स, ठीक है ना बेटा। बूस्टर वालों के आंसर भेज दूंगा बेटा मैं आज, ठीक है ना, फिर भी एक बार अभी कुछ कर लेते हैं डिस्कस, मैं भेज दूंगा फिर ना। नाइन देखो बेटा क्या कहता है, ए स्फेरिकल होल इज मेड इन ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, देखो बेटा ये एक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस कितनी है आर, द मास ऑफ द स्फीयर बिफोर होलोइंग वाज एम, टोटल का मास एम है, और अब इस तरीके से एक होलोस्फीयर कट कर लिया, ठीक है, द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ऑफ द होल ड्यू टू रिमेनिंग मास, ठीक है कि नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ऑफ द होल, यहाँ इसके सेंटर पे पूछा गया है, ठीक है ना, किसकी वजह से, रिमेनिंग पोर्शन की वजह से पूछा गया है बेटा, इसके लिए मैं एक थ्योरम करवाऊंगा अभी रहने क्वेश्चन को ना, कि स्फीयर्स के कैसे निकाले जाते हैं इनसाइड, ठीक है, अभी तुमने कल क्या बताया था पॉइंट मासेस के लिए जिक्र किया है, ठीक है स्फीयर्स के लिए मैं अभी करवाऊंगा आप लोगों को ना, सेंट्रो मास का कॉन्सेप्ट नहीं लगता इनमें ना, ठीक है सेंट्रो मास का कॉन्सेप्ट तभी लगता है बेटा जब आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई चीज हो, ठीक है जैसे एमजीएस वाले क्वेश्चन थे पोटेंशियल एनर्जी, एक चेन को ऊपर खींचना है तो हमने उसके सेंट्रो मास को ऊपर खींच लिया था, ठीक है तो उन्हीं में लगाना है बस आपने, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आगे इनमें नहीं लगेगा, ठीक है मैं स्फीयर भी करवाऊंगा बेटा आपको ना, सब हो जाएगा ये उस टाइम पे करवाऊंगा मैं आपको। टेन, थ्री यूनिफॉर्म स्फीयर्स ऑफ मास एम एंड रेडियस आर कैप आर कैप इन सच ए वे दैट ईच टचेस द अदर टू, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑफ द स्फीयर ड्यू टू अदर टू, देखो बट डायग्राम समझना है बस टेंथ का तो ना मेन, वो कहता है कि तीन स्फीयर हैं इस ढंग से रखना है कि तीनों एक दूसरे को टच करते हो, ठीक है ना, तो यानी कैसे रखेंगे, एक दो तीसरा कहां, यहां या यहां है ना, ये बच गया बेटा, ठीक है तो आप क्या सबके बस इनके इनको मान सकते हो आप अभी ना, आउटसाइड चले जाएंगे जब तो क्या होगा, मास एम है रेडियस कितनी है आर है, ठीक है बेटा तो क्या हो जाएगा, यहां से ये मास एम एम हो गए और ये डिस्टेंस कितनी होगी टू आर होगा और ये टू आर हो, तो किसी एक पे निकाल लेते हैं, जैसे इस पे निकाल लो ये इधर खींचेगा ये इधर खींचेगा बेटा और फोर्स ये और ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं पहले ये बताओ, मास भी सेम डिस्टेंस भी सेम बेटा, तो क्या फॉर्मूला लगा देंगे, जी एम 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 स्क्वायर अपॉन फोर आर स्क्वायर, एंगल कितना 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या लग जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस ऑफ 60 का अंडर रूट, रूट थ्री है, याद भी रख सकते हो एक चीजें, देखो एमसीक्यू बड़ी हेल्प करती है अगर याद रहते हैं तो, है ना, कि अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अगर एंगल वन दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं बेटा, अगर याद कर सको तो सीधी सी बात है, ठीक है ना, अगर थीटा 120 है तो रिजल्टेंट एक्स ही आता है, थीटा 90 है तो रिजल्टेंट रूट टू एक्स आता है, और अगर एंगल 60 है तो बढ़ता चला जाएगा रूट थ्री एक्स आता है, अगर याद रख सको तो, नहीं तो सीधा ये फॉर्मूला है हमारा रूट थ्री था cos 61 बाई टू कितना रूट थ्री एफ एफ ये रहा, देखो बेटा रूट थ्री जी एम स्क्वायर बाई फोर आर है कि नहीं, आंसर देखो यही है, और अगेन इसमें हो गया ऐसे, इसमें एमसीक्यूज में और कोई एक 9 मैंने छोड़ दिया है, ठीक है ना, ये मैं करवा दूंगा आपको ना बाद में जब मैं स्फीयर बनाऊंगा, एग्जांपल 9
एग्जाम्पल से हम एग्जाम्पल से हमने बेटा एग्जाम्पल बूस्टर निकल गया एग्जाम्पल अच्छा ये मैंने अभी करवाना है आपके नोट्स में ही लिखवाना है लिखो एक बार अब नोट्स में पीछे खाली पेज है ना बेटा वहां भी लिखो नोट्स में दो क्वेश्चन लिखो अपने नोट्स में हम क्वेश्चन कर रहे थे आपके नोट्स में पिछली बार भी वहीं पे कंटिन्यू मैं आगे यही आना था ए मास कैपिटल एम इट्स स्प्लिट इनटू टू पार्ट एम एंड एम माइनस एम which are then separated by certain distance what should be the ratio m by m separated by certain distance. What should be the ratio m by m, small m to capital M, for which gravitational force between them becomes maximum. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा जैसे ये पूरी एक बॉडी थी एम मास अब हमने इसको क्या किया दो पार्ट में तोड़ दिया एक का एम माइनस एम और इनके बीच की डिस्टेंस अब कुछ भी डिस्टेंस कह दी सर्टेन फिक्स डिस्टेंस पे रख दिया तो हमें बताना है कि इसमें देखो कैपिटल एम फिक्स है मतलब 10 kg था मास का अब वो कहता है कि इनको दो पार्ट में तोड़ना है अब स्मॉल एम वेरिएबल आपकी मर्जी है ये 1 kg का दो तो 9 kg हो जाएगा मान लो 10 kg का सिलेंडर ये 2 kg है तो ये 8 kg 3 kg समझ में आ गया कि नहीं आ गया यानी स्मॉल एम यहाँ पे वेरिएबल है ये ध्यान समझ लो और कैपिटल एम क्या है कांस्टेंट है यहाँ पे अब वो कह रहा है कि सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिया तो फोर्स कितना हो गया इनके बीच में जी एम 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 टू बाई आर स्क्वायर ये होगा जी एम एम बाई आर स्क्वायर होगा और वो चाहते हैं फोर्स मैक्सिमम हो बेटा तो चाहे आपको मैक्सिमम निकालना हो और चाहे आपको मिनिमम निकालना हो बेटा ठीक है फर्स्ट डिफरेंशिएशन इट शुड ऑलवेज बी जीरो किसी भी क्वांटिटी का मैक्सिमा हो या मिनिमा हो तो उस क्वांटिटी का फर्स्ट डिफरेंशिएशन वेरिएबल के साथ क्या आना चाहिए हमेशा जीरो आना चाहिए ठीक है मैक्सिमा और मिनिमा दोनों में और फिजिक्स में बड़ी अच्छी बात है क्वेश्चन में पहले से मेंशन ही होता है या तो मैक्सिमा निकालना होता है मिनिमा हमें कभी डिसाइड नहीं करना होता है मैक्सिमा या मिनिमा अगर ऐसा हो तो फिर डिफरेंशिएशन पे जाना पड़ता है और उसकी आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है तो सीधी बात है फोर जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फोर एफ मैक्सिमम डी एफ वेरिएबल क्या बताया मैंने अभी समझाया था आपको किसके साथ स्मॉल एम इसका डिफरेंशिएशन विद स्मॉल एम क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए नहीं वो कैसे आया रिजल्ट याद करना पड़ेगा ना हाँ वो चार्ज के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को ठीक है ना एक बार तो करना पड़ेगा ना ठीक है प्रूफ तो प्रॉपर यही होता है इसका तो अब क्या हो गया बेटा हमारे पास इसको अगर करें देखो तो जी बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है उसने दे रखा है सर्टेन डिस्टेंस तो जी बाई आर स्क्वायर के बाद ये हो गया डी यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा इसकी ठीक है अब अंदर क्या बच गया एम एम माइनस एम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो ठीक है जी बाई आर स्क्वायर उधर जाकर जीरो से मल्टीप्लाई होकर खत्म जीरो हो गया अब मेरे पास ये बच गया सिर्फ डी एम 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 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो अब क्या करोगे बेटा इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो गया डी अब इसका करोगे तो एम बाहर ये तो कांस्टेंट है कैपिटल एम तो डी एम बाई एम माइनस एम ये वन हो गया माइनस इसका 2m
एम इजिकल टू क्या आ गया बेटा, एम बाई। तो आप जब दो इक्वल पीसेज में डिवाइड करोगे ना बेटा, है ना, एम बाई टू एम बाई टू, तो उनके बीच में क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। तो आपसे क्या पूछा गया था, एम बाई एम वन बाई टू। चीज का रेशियो तो 1:1, क्यों भाई, दोनों पीसेज का रेशियो इसने क्या पूछा था, वन पीस टू टोटल, तो 1/2 आ गया। और वो ये भी तो पूछ सकता है, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द टू पीसेस, मासेस ऑफ द टू पीसेस, सो दैट फोर्स बिटवीन देम बिकम्स मैक्सिमम। तो उस केस में आप क्या करेंगे बताइए, हमारे पास इससे 1:1 करेंगे। कीजिए ना, जैसे मान लीजिए आपने 1 और 9 में डिवाइड किया, ये आ गया बेटा, फिर एक बार हमने 2 और 8 में किया, देखो प्रोडक्ट बढ़ती जा रही ही नहीं है, जी एम वन एम टू बाई आपसे, जी बाई आपसे तो कॉन्स्टेंट है, तो डिसाइड कौन करेगा इनकी, एम वन और एम टू की प्रोडक्ट ही डिसाइड करेगी बेटा। ऐसे ही अब क्या हुआ, 3 × 7 = 21 और बढ़ गई, 4 × 6 और बढ़ गई प्रोडक्ट, 5 × 5। अब देखो फिर डिक्रीज होने शुरू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट नहीं आएगी कि नहीं आएगी, कब, जब दोनों 5:5 हो गए 10 में से, दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल प्रोडक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कभी भी एक बॉडी को जब दो इक्वल मासेस में डिवाइड करोगे तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा वो मैक्सिमम होगा, इट विल मैक्सिमम व्हेन वी डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पीसेस, ठीक है, ये बात है। कर ले रही नोट, एक्सरसाइज वाला, एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन देखो बेटा ना, बूस्टर 6, 3 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस, ईच ऑफ मास 1 kg लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन एट पॉइंट, देखो बेटा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। 1 kg के 3 मासेज हैं, एक तो 0, 0 पे है, यानी कि ओरिजिन पे हो गया बेटा 1 kg का, एक तो एक कहता है 0, 0.2 यानी y एक्सिस पर, 0, 0.2 मीटर, मतलब y एक्सिस आ गया कि नहीं आ गया, x 0 हो गया ना, x 0 मतलब y, यहाँ पर 1 kg हो गया। और तीसरा कह रहा है 0.20 y 0 यानी कौन से पे आ गया, x एक्सिस पर आ गया, 0.20 मीटर में दिया हुआ है, यहां भी 1 kg है, m मीटर दे रखा है, हो गया। जब कोऑर्डिनेट में तो लेंथ का यूनिट है ना बेटा, मीटर है ये, 2 मीटर है ये भी, 2 मीटर है, 0.2 मीटर, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास एट द ओरिजिन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास एट द ओरिजिन, और किसकी फॉर्म में दे रखा है, तो देखो आई और जे की फॉर्म में दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। सीधी सी बात है, देखो बेटा ये वाला अपनी तरफ खींचेगा, इस पे निकालना, सिर्फ इस पे दिखाओ, मैं बार बार कहता हूँ, ये इधर खींचेगा, मैं इसको एफ एक्स ही कह दूं, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ये हो जाएगा जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ये 2/0, हाँ 4 × 100 हो गया, ठीक है बेटा। तो कितना आ गया आपका, 25 g आ गया। सिमिलरली एफ वाई भी इतना ही आएगा कि नहीं आएगा, देखो डिस्टेंस सेम, तो ये आगे 25 g, ओके। तो वेक्टर को कैसे बता रखा है, लिखना x को i कैप से, y को j कैप से बेटा, तो आंसर क्या है आपका, 25 g i कैप प्लस 25 g j कैप, 25 g i कैप, क्यों लगाएंगे बताओ, नहीं क्या है, मतलब आंसर में दे रखा है माइनस साइन, नहीं नहीं दोनों माइनस के थोड़ी है, दोनों प्लस के हैं बेटा, ठीक है ना, सेम आएगा, ये आएगा आई और जी आएगा, माइनस के लगाना, ठीक है, वो तो अलग केस है, वो तो आर के साथ कंपैरिजन, नहीं तो आई के पैरेलल ही तो प्लस के आएंगे बेटा, थोड़ी जरूरत नहीं, क्यों आई प्लस जी आएगा, ठीक है ना। ये देखो बेटा इधर है ना, ये एक्स एक्सिस में ही है, और ये क्या आपका वाई एक्सिस में ही है, तो प्लस का ही आएगा,
वो ऐसे केस में तो माइनस आता है, मैं बताता हूँ कहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये सन है और ये प्लेनेट है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स इधर होगा कि नहीं होगा? प्लेनेट पे फोर्स वही हो गया आपका जो gmm by r square हो गया। अब क्या होता है, रेडियस वेक्टर दिया होता है कई बार ना, और रेडियस वेक्टर कहां से, तो उस केस में सेंटर क्या होगा, और रेडियस वेक्टर सेंटर से क्या होगा, अवे होगा कि नहीं होगा बताओ? आर कैप मान लूं मैं इसको, तो ये बाहर की तरफ होगा रेडियस वेक्टर, तो आप इसको तो वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, ये दोनों 180 नहीं हो गए? तो इसको जब लिखेंगे gmm by r square into r cap हो जाएगा, जो सर्कल के केस होते हैं, रेडियल केस होते हैं, ठीक है बेटा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आपका सीधी बात है, इधर ही है और इधर ही आई कैप में ही था है, ये ऊपर की तरफ होगा, देखो ना वाई कैप है, प्लस प्लस करेंगे, ओके बेटा, रिजल्टेंट की जरूरत नहीं है ना, इसमें आंसर आई और जे में दे दिया। अगर वो कहता है कि रिजल्टेंट वैल्यू नहीं था, आई जे में नहीं होता, तो तुम तब तो क्या होता, 25√2g आ जाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट कॉस 90 हो जाता उस केस में। तो इसमें पूछा नहीं ना, उसने आई जे में ही पूछा आंसर, आई जे में सीधे सीधा आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये और बताओ इनमें से कोई नहीं है, अपने नोट्स में लिखो पेज नंबर 2 पर, भाई एक ना कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, मैंने पिछली बार भी कहा था, दे हैव टू एडजस्ट, हम उनकी तरफ से एडजस्ट करें, मंडे थर्सडे आपका ऑफ रहा करेगा, ठीक है ना, बाकी चार दिन क्लास 5-6 ऑफलाइन ही रहेगी और संडे ऑफलाइन रहेगी, ठीक ना, ठीक है, क्योंकि डेली में दिक्कत ही रहती है, कंफ्यूजन कब क्लास है कब नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने बता दिया आपको मंडे थर्सडे दो दिन हमने ऑफ कर दिया, उनको एडजस्ट कर रहे हैं, दो दिन वो एडजस्ट करें जैसे भी करना है, क्योंकि हम तीन बच्चों के लिए बाकी सबका कैसे वो करें, और वो क्या हो रहा है उस चक्कर में ना, उन तीन के चक्कर में बाकी प्रिविलेज ले रहे हैं, आधे हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन पेरेंट्स को भी कंफ्यूज करके रखा, ठीक है ना। तो क्लियर है, हमारी क्लास ट्यूजडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, संडे को हम थोड़ा टाइम फ्लक्चुएट कर लेते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द क्लासेस, इस बार टेस्ट है तुम्हारा कितने बजे स्टार्ट हो, 9 बजे, क्या 9:30 शुरू कर सकते तुम उस टेस्ट को या नहीं? नहीं 9 बजे से, क्योंकि आप फिर तो 7:30 से 9 तो नहीं हो सकती क्लास ना, बहुत जल्दी हो जाएगी क्लास तेरी फिर 5:30 के। हाँ तो मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ ताकि तुम कर सको बेटा, मैं तो कभी इससे तो बताता ही नहीं हूँ बच्चों को ना, तुम्हारी फिर 5:30 तक क्लास है, कोई नहीं, फिर संडे को 5:30 बजे रखूंगा मैं क्लास, शाम में 5:30 से 7 इवनिंग में, ताकि आप अपना ट्यूशन सेट कर सको अपना, ठीक है, 5:30 to 7 फिर इसकी क्लास है बेटा, सुबह भाई सुबह कितने बजे? नहीं वैसे पेपर, उसका पेपर है फिर 9 बजे, तो 9 बजे से पहले कब रखूँ, 1:30 घंटा, 7:30 कोई टाइम नहीं होता संडे को ना, 7:30 नहीं 5:30 रखूंगा भाई, ठीक है ना, सबको मैं, मेरे को भी बर्डन रहता है, मैंने पहले भी कहा था संडे शाम को पढ़ाने, मतलब पूरे दिन ही घर वो तो रहती है, शाम को मुझे पढ़ाना है, सुबह से पढ़ाने के बाद मैं फील फ्री, पर एडजस्ट करने वाली बात है ना, ऐसा चीज़ को छोड़ दें, ओके। तो देखो पेज नंबर 2 पर, इसलिए मैं संडे का टाइम इसलिए बताऊँ ताकि आप फ्रीली अपना टाइम केमिस्ट्री बायो को फिक्स कर सकें, कल फिर बायो की ट्यूशन है या छुट्टी होगी? वो तो मेरे को बता देना छुट्टी हो जाएगा, ठीक है, निष्ठा तुम बता देना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, प्रूव दैट इफ इक्वल मासेज आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी बॉडी प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज 0। मिल गया बेटा, इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं, आराम से देखेंगे। देखो कोई बात, देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे मासेज mm दे रखे बेटा, और सेंट्रॉइड ये मान लो जी, यहां पर हम मान लेते हैं एनी बॉडी बोल दिया, तो कोई दूसरा मास मान लेते हैं m मास का, ठीक है ना, सिमेट्री से करेंगे से 0 देगा, ठीक है, देखो कैसे होगा, पर प्रूफ देखो बेटा, पहली बात अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हो बेटा, मैं बता दूंगा कि इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें तो सेंट्रॉइड क्या होता है, हर एक एज से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ये आर, ये आर और ये हो गया, ठीक है, मान लो हर एक साइड ए है, पर कई बार कई क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी इसलिए बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। तो आपकी जो मीडियन होती है, मान लीजिए मैं इसको ए कह देता हूँ, ये बी, ये सी, ये डी, तो ए डी जो मीडियन होती है क्या ये आपकी √3/2 ये होती है,
ये हो जाएगी ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई फोर, कैल्सियम लोगे आप, ठीक है ना। तो क्या आ गया आपका, ये आ गई मीडियन, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे ना बेटा, ये ए हो गई, यहाँ तक कितना हो गया आपका ए बाई टू हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई फोर का अंडर रूट, तो आ गया यहाँ रूट थ्री बाई टू आ गया। ये तो पूरी मीडियन आई, और आपने पढ़ा है सेंट्रोइड किस रेशियो में डिवाइड करता है मीडियन को, टू रेशियो वन, सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन टू रेशियो वन बेटा। तो हमें क्या निकालना है, आर, आर क्या होगा, टू रेशियो वन, ये टू होता था और ये वन होता था, तो टू बाई थ्री हो गया कि नहीं हो गया, ये डी रेशियो प्रोपोर्शन बोलते नहीं गए, टू रेशियो वन में कैसे डिवाइड करते थे, ठीक है ना। मान लीजिए एक्स है तो कितना हो गया, टू एक्स हो गया, तो थ्री एक्स इज इक्वल टू ए डी, तो ऊपर वाला पार्ट कितना आ जाएगा, टू बाई थ्री आ गया कि नहीं आ गया, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे टू से टू कट जाएगा, ए बाई कितना आ जाएगा, रूट थ्री। आल तो इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी आपको आनी चाहिए, कभी कभी जरूरत पड़ सकती है आपको। यहाँ तक हो गया, ठीक है, लिखो इसका सोल्यूशन, पीछे जो है पीछे लिख लो, और कहाँ लिखोगे, यहाँ नीचे तो एक का तो होगा, इस पेज पे भी आ जाएगा, लिखोगे बाकी आप जैसे लिखना है आपने, नोट्स में डाल लो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन वन ऑन पेज टू, ऐसे करके डाल लो, है ये रहा मीडियन निकालो, और मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो टू रेशियो वन में डिवाइड करता है। वैसे भी तो नहीं आएगा, मैं वीडियो तो भेज नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ब्रॉडबैंड खराब, मेरा नहीं मतलब केबल ही कट गई आगे हमारी कॉलोनी में, आ नहीं रहा है तो इससे अपलोड ही नहीं हो पाता है, मैंने ट्राई भी किया है अपलोड नहीं, वो 100% अपलोड होकर फिर प्रोसेसिंग दिखाने लग जाता है यूट्यूब पे, वो प्रोसेसिंग होती रहती है फिर कई घंटे तक, तो मैंने कहा मैं ट्राई भी नहीं करूँगा जब तक ब्रॉडबैंड चालू नहीं होगा। हाल तो उनका मैसेज तो आया हुआ है कि आज 7:48 तक हम टाइम भी ऐसा लगता है 7:48 PM तक हम रिजोल्व कर देंगे प्रॉब्लम। मैंने कई कंप्लेंट कर रही हूँ इनकी, मेल भी कर रखी हैं, फोन भी कस्टमर केयर पे, और मैंने मैसेज भी लिख दिया बेकार बेकार बोला, मेरा वेरी बैड एक्सपीरियंस एंड इफ एनीबॉडी कैन डू नोबडी कैन हेल्प द टिम्बल कंपनी एंड, जो भी लिख दिया मैंने वर्स्ट एक्सपीरियंस, ये रिस्पॉन्स आया हुआ मेल में ना कि नो सर। हाँ नहीं, मैंने गुस्से में तो लिख सकता था ना, सारे वर्ड लिख दिया, ठीक है ना। तो कह रहे हैं आप देखो बेटा, मान लीजिए फर्स्ट अपनी तरफ खींचेगा, ये ऐसे हो गया, ऊपर की तरफ खींचेगा, बी अपनी तरफ खींचेगा बेटा, और सी अपनी तरफ खींचेगा, इसमें निकाल देना आप, तो क्या तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, पहले ये चेक करो। तो चलिए एफ ए इजिकल टू एफ बी इजिकल टू एफ सी होगा बेटा, और कितना हो जाएगा, जी एम एम बाई स्क्वायर, जी एम एम बाई आर स्क्वायर होगा, हो जाएगा जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं अलग से दिखा रहा हूं एक बार, इसको मैं थोड़ी देर के लिए एफ ही मान लू, एक एफ ऊपर की तरफ हो गया, ए की तरफ बेटा, एक बी की तरफ हो गया, और एक सी की तरफ हो गया, एंगल कितना कितना इनके बीच में 120, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 120, ये भी 120, और ये भी 120 हो जाएगा बेटा पूरा। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, इसे कैसे, ये भी एफ है, ये भी एफ है, ये एंगल 60, ये एंगल भी 60, इस एफ का इधर कंपोनेंट बेटा एफ कोस 60, और इधर एफ साइन 60, जितना एंगल होता है उधर कोस कंपोनेंट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट, ऐसे इसका भी इधर एफ कोस 60 एफ साइन 60, ये कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया, कोस 60 कितना होता है 1/2, तो एफ बाई टू प्लस एफ बाई टू, ये दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया, ऊपर की तरफ तो एफ था ही, और नीचे की तरफ भी क्या आ गया बेटा, एफ बाई टू प्लस एफ बाई टू, एफ नेट कितना आ गया, कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। तो उसके सेंटर पे 4-0, मैं अभी जनरलाइज लिखवा रहा हूं इसलिए, कर लो नोट फ्री, जनरल रिजल्ट लिखवाऊंगा मैं।
क्या है मतलब रिजल्ट क्या बना बेटा? अब मतलब स्क्वायर है उसमें तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आती, स्क्वायर है बेटा। अभी जैसे आप कह रहे थे इक्वल मासेज रख दो, ये है जितने फोर्स से ये खींचेगा उतने से ही ये भी खींचेगा, कैंसिल आउट जो अभी नहीं गया था माइनस का, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो जीरो बच गया। ऐसे ये अपोजिट वाले भी तो चार में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती ओड साइज वाले में, ठीक है बेटा। पांच के होते ही फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी आपके सामने, पेंटागन जो बन जाएगी तो ना, ठीक है। लेकिन उसमें भी यानी जनरल अगर हम रिजल्ट की फॉर्म में करें प्रॉब्लम्स के लिए बेटा, कि अगर किसी रेगुलर ज्योमेट्री के हर एक पॉइंट के ऊपर हर एक कॉर्नर के ऊपर हम इक्वल मास रख दें, तो सेंटर पे आप कोई भी मास रख दें बेटा उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। सेम रिजल्ट आपके ट्वेल्थ में मिलेंगे आपको चार्जेस के अंदर भी, ओके। तो एक रिजल्ट लिखो जनरल करके, इफ इफ इक्वल मासेज आर प्लेस, इफ इक्वल मासेज आर प्लेस एट ऑल द कॉर्नर, इक्वल मासेज आर प्लेस एट ऑल द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री समझते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, क्यूब, क्यूबाइड, व्हाटएवर, ठीक है ना। इक्वल मासेज आर प्लेस एट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर ज्योमेट्री, देन फोर्स ऑन एनी बॉडी, देन फोर्स ऑन एनी बॉडी प्लेस एट द सेंटर ऑफ द ज्योमेट्री, फोर्स ऑन एनी बॉडी प्लेस एट द सेंटर ऑफ एनी ज्योमेट्री, प्लेस एट द सेंटर ऑफ द ज्योमेट्री एंड फोर्स ऑन एनी बॉडी, एनी बॉडी कितने मास की हो सकती है, ठीक है। प्लेस एट द सेंटर ऑफ द ज्योमेट्री इज ऑलवेज जीरो, एनी बॉडी प्लेस एट द सेंटर ऑफ द ज्योमेट्री इज ऑलवेज जीरो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, एक और क्वेश्चन है, कहते हैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, फोर बॉडीज ऑफ इक्वल मासेज एम ईच मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। वो कहता है कि चार पार्टिकल हैं, हर एक का मास एम है बेटा, एंड दे मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। आप पहले बात ये देखो कि वो घूमेंगे कैसे, सीधी सी बात है बेटा, अगर दो हैं तो डेफिनेटली वो कहां होने चाहिए, डायमेट्रिकली अपोजिट, चार हैं तो इक्वल इक्वल 180 का एंगल बनाएंगे, 90 का एंगल बनाएंगे, छह हो जाएंगे तो 60, ऐसे ये डायग्राम खत्म हो जाएगा, फिर वो कहां पे होंगे बेटा 60 60, मतलब इक्वल उसमें डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे, हमेशा इक्वल एंगल पर आएंगे, ठीक है सिमेट्री के। तो वो कहता है ये बात है, ये क्या दे रखा है, फोर बॉडीज ऑफ मास एम ईच आर इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। अब देखो बेटा सबका मास एम है, मेरे कॉलेज के हॉस्टल में बजता था ये गाना, अब भी बजता है जब हम लोग पढ़ते थे, हमारे हॉस्टल का मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग होता था हॉस्टल में, नहीं बच्चों का ना उस टाइम पे जो भी फंक्शन था, अभी अब तक पॉपुलर है, कितने सालों पुरानी बात है, इसलिए मुझे हंसी आ गई ना। एनी हाउ, अब वो क्या कह रहा है बेटा, दे आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी किसी भी बात है किसी पे भी निकाल लूं मैं, अगर वो सर्कल में इस फोर्स की वजह से घूम रहे हैं तो वो नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगना चाहिए, कोई बॉडी सर्कल में घूम रही तो क्या लगता है उसमें सेंटीमीटर चाहिए उसको, तो यानी इन सबका रिजल्टेंट किधर एक्ट करना चाहिए, सेंट। तो पहला तो हमने सुपर पोजिशन लगाना है आपने, मैं दे रहा हूं आपको टाइम दो चार मिनट का, मान लीजिए इस बॉडी पे निकालो, इस बॉडी पे नेट फोर्स निकालना है आपने, ठीक है, इसकी वजह से और इसकी वजह से, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालो कितना आता है, देखो जरा आपने इसके ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है,
ये इन दोनों का। अच्छा और ये इसका ये आर कहते हैं कितना आएगा बंदा इधर रूट में आएगा इतना ऐसी नहीं आएगी। ये क्या कर दिया फोर्स तो निकाल दी पर ये कैसे है यार ये इन दोनों का गैप एंगल 90 बनेगा। हाँ तो रिजल्टेंट तो वो ये टू कहाँ से आ गया ये वाला टू ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर टू टू है ना। हाँ तो फिर स्क्वायर करेगा तो टू आर स्क्वायर होगा आर स्क्वायर बाय टू कैसे होगा। हाँ तो करो देख रहा हूँ बेटा ये तीसरा कहाँ से आ गया स्क्वायर रूट के अंदर ये ये रूट कहाँ गया फिर इसको इनको मदद कर देंगे जब ये वो टू लेना भूल गया। अब ठीक है अब इसको एम बी स्क्वायर बाय आर के बराबर रख देंगे माइनस माइनस कैसे अपोजिट कौन है। हाँ इस पे निकाल रही हो ना इसमें निकाल रही तो बेटा किधर जाएगा प्लस ऐसे कुछ आ रहा है तो दिख तो ऐसे रहा है तो देखो एक बार बच्चों इधर देखो बेटा ये डिस्टेंस कितनी आर रूट टू ये भी कितनी तो ये तो टू आर होगी बस सारे और क्यों निकालनी मैंने क्या बता रखा है जिस पे निकाल रहे हो सिर्फ उसके दिखाओ क्यों डायग्राम को बिगाड़ना ठीक है। अब देखो बेटा क्या ये वाला और ये वाला फोर्स सेम होंगे डिस्टेंस सेम होगी ना तो ये एफ मान लेता हूँ इसको भी एफ मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ओके ये एफ हो गया जी एम एम बाई आर स्क्वायर आर ठीक है क्या देगा बेटा टू आर स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया ठीक है। अब मर्जी इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो इधर ही आएगा 45 45 कितना एंगल है 90 होता ही नहीं होता है सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 का होता है तो सीधी सी बात इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया कितना रूट टू एफ हो गया कि नहीं हो गया अभी तो बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस 90 खत्म रूट टू एफ आ गया कि नहीं आ गया एक तो रूट टू एफ हो गया। अब इसका ठीक है तो ये भी इधर ही आएगा मैं एफ डैश मान लेता हूं इसका ये तो इधर ही खींचेगा इस पे थोड़ी दिखाना है जिस पे निकाल रहे हो सिर्फ उस पे दिखाओ तो एफ डैश कितना हो गया जी एम स्क्वायर बाय ये डिस्टेंस कितनी टू आर का स्क्वायर फोर आर स्क्वायर बताओ समझ में आया कि नहीं आता ये समझ में आया पहला ये भी समझ में आ गया था फिर बिल्कुल बीचों बीच आएगा क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड के रिजल्टेंट एंगल बाई फैक्टर के अलोंग होता है और कितना होता है 90 का एंगल होता है रूट टू टाइम्स बताया था मैंने 60 होता है रूट थ्री टाइम्स 120 होता है इक्वल तीन चीजें तो याद रखी यही बार बार यूज होती हैं ठीक है। तो नेट फोर्स हो गया बेटा रूट टू एफ प्लस एफ डैश रूट टू एफ 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 ये रहा जी एम स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर बाई फोर आर स्क्वायर ठीक है कि नहीं है। अच्छा जी और ये किधर ऐड कर रहा है देखो अब नेट नीचे सेंटर की तरफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो यही मुझे क्या प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ ऐड कर रहा है इसलिए उसने कहा है कि ये चीज मूविंग हर एक के ऊपर इतना इसलिए देखोगे तो यही मिलेगा आपको ये रूट टू आर ये रूट टू आर और ये वाला टू आर इसमें भी यही फोर्स आएगा कि नहीं चारों पे यही लग रहा है और किधर ऐड कर रहे हैं बेटा वो सेंटर की तरफ ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो सेंटर की तरफ जो ऐड करे वो हमें क्या देता है सेंट्रीपिटल फोर्स देता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स देता है क्या बन जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर रेडियस तो आर ही बनेगी एक एम कट जाएगा एक आर कट जाएगा ठीक है तो वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास देखो बेटा एक एम काट दो वी आ गया ये यहां से कट करो कर लो या तो जी एम बाई एक एक एम कैंसिल कर रहा हूं मैं एक एक आर कैंसिल कर रहा हूं ठीक है नीचे से आर कॉमन ठीक है टू भी ले लें जी एम बाई टू आर कॉमन हो गया अंदर क्या बच गया बेटा रूट टू प्लस वन बाई
टू सारे का अंडर रूट। बाकी थोड़ा बहुत एलसीएम लेना चाहो ले सकते हो थोड़ा बड़ा, ये होगा सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो सेंटीमीटर मिल गया उसको, जब खींचते नहीं आएंगे, घूमता रहेगा, खींचते तो आ रहे हैं। अगर मान लेते चलना शुरू किसी जैसे ये देखो यहाँ पे वेलोसिटी ये, अरे अगले पॉइंट पर क्या होगी, ये खींच तो गया अंदर की तरफ, सेंटीमीटर की कॉन्सेप्ट यही है जो अंदर की तरफ खींचता रहे, पूरा सर्कल में यही होता है, यहाँ पर आप वेलोसिटी होगी, अगले पॉइंट पर वेलोसिटी देखोगे तो होगी, देखो अंदर की तरफ खींच रहा है कि नहीं, खींच तो रहा है पर वो मोशन में सेट हो चुका है ना एक बार, अगर सेट हो नहीं, अगर फ्री रेस्ट में होता तो नीचे खींच जाएगा, ऑलरेडी दे आर मूविंग इन सर्कल, ठीक है। तो फिर सीधी बात है, वो जो फोर्स वो किसमें यूज हो गया बेटा आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में यूज हो गया। तो इस तरीके से हम, मैंने सुपरपोजिशन और इसके कई क्वेश्चन करवाए, बूस्टर के मैं फिर तुम्हें आंसर भेज दूंगा, ठीक है ना। तो कल हम भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टार्ट करेंगे, इसका एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं, एक रोड और उसका फोर्स का, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करेंगे, ठीक है। चलो फिर कल, तो पहले बैग की तैयार हो गई है, चलो फिर कल करेंगे, कोई बात नहीं।